खुशी ने एक्चुअल में सर्जरी कराई है, मतलब मैं तो ये चाह रहा था कि ना बताऊं लेकिन और ये चाहेगी कि ना पता लगे आप लोगों को। पापा ने जूस दे दिया है। सो विवेक का मन था साबूदाना खिचड़ी खाने का, लेकिन वो तो बन ही पाई क्योंकि साबूदाना भी गई नहीं है। तो मैंने उनको सोचा कि थोड़ा सा पोहा दे देती हूँ। सब पोहा खाने को मना कर रहे हैं क्योंकि माँ पापा सब खाना खा चुके हैं, तो सिर्फ मैं और विवेक पोहा खाएंगे क्योंकि कोई पोहा नहीं खाएगा। तो हम चाय की जगह बना रहे हैं साथ में। एंड मैं फर्स्ट टाइम बना रही हूँ आलू वाला पोहा, पता नहीं कैसा बनेगा, बट लेट्स सी कैसा बनता है। आप ही खाओगे पोहा? ठीक है पापा जी, मैंने पोहा बनाया, खाओगे आप? पहले पापा ने मना किया था, लेकिन पोहा की हालत देख के पापा कह रहे खा लूंगा। चीज नहीं अच्छा लगता आपको? पापा जी पोहा में कौन सा चीज डलता है? पापा जी वो तो चीज सैंडविच पिज्जा इसमें नहीं डलेगा। ठीक है रियू, रियू मेरी बच्ची, रियू की तबीयत थोड़ी सी खराब थी, अब अच्छी फील कर रहे है ना मेरा बेटी रियू। सर आवाज बंद करियो सर। आप स्कूल क्यों नहीं गए? किस चीज की छुट्टी? फ्राइडे और सैटरडे होती है। मतलब फर्स्ट वो है ना मेरा डेट मेरा रहने था और मेरी छुट्टी सैटरडे और संडे छुट्टी होती है। माँ भाई के एग्जाम भी है सितंबर में, चलो पढ़ाई करेंगे। उठो ये लड़का सारा दिन मस्ती करता है। राजा मैं किसी को नहीं बताऊंगी, जल्दी बता दो आप किसका प्यार करते हो, कि मम्मा का कि डैडा का? यस अभी डैडा को बता के आती हूँ। नहीं बता दियो। नहीं बताऊं क्यों? फिर क्या होगा? डांट तो पड़ेगी। डांट पड़ेगी? आज मैं ना आपकी साबूदाना खिचड़ी के स्टाइल से पूरा पोहा बना के लाई हूँ, बस साबूदाना की जगह इसमें खिचड़ी बाकी आलू वालू सब डाल के लाई हूँ ताकि आपको थोड़ा अच्छा लगे। वैसे चीनी डाली सब डाला डैडा, इसने ये बोला कि मैं डैडा का ही प्यार करता हूँ, है ना राजा? बता दो डैडा को। नीचे ना यहाँ कुछ नेल पेंट्स पड़ी हुई थी, तो मैंने सोचा इनमें से एक बॉक्स वॉश करके ले जाती हूँ क्योंकि मेरे पास बहुत सारे नेल पेंट्स हैं। तो मैंने इतनी सारी नेल पेंट्स निकाली जो अभी ठीक है, और ये कुछ सूखी हुई है जिनको हम बाहर फेंक देंगे। बड़े प्यारे प्यारे कलर्स हैं जो मैंने पता नहीं कब लिए थे, याद ही नहीं था। और इससे भी ज्यादा नेल पेंट्स हमारे पास ऊपर भी रखी होंगी, सबको निकालती हूँ आज और सूखे वाली बाहर फेंकती हूँ। गाइस ये वाला रूम जो कल पेंडिंग रहता था मैंने आप लोगों को दिखाया था, अभी इसकी वाइब दिखाता हूँ। ये देखो इसकी वाइब कितना सुंदर लग रहा है। ये रूम कल देखो कैसा लग रहा था और आज देखो रूम इज रेडी एंड कितना ब्राइट सा। तुम दोनों की फोटो लगेंगी बड़ी बड़ी रखी। जल्दी बाबू ध्यान रखना गाइस, हम लोगों को जाना है देहरादून किसी कार में, किसी कार में। हाँ आप लोग अपना अच्छे से एंजॉय करना। और गाइज हाँ एक चीज मैं आप लोगों को जो बताने वाला था, खुशी ने एक्चुअल में सर्जरी कराई है, वो सर्जरी पूरी मैं आके देहरादून से आपको बताऊंगा। वो पूरी की पूरी मतलब मैं तो ये चाह रहा था कि ना बताऊं लेकिन अब मैं आके सबको बता दूंगा सर्जरी के बारे में। तो मित्रों अभी मैं देहरादून निकल रहा हूँ और ये चाहेगी कि ना पता लगे आप लोगों तक ये बात ना पहुंचे। ये परांठे बनाए और पहली बार मैंने खिचड़ी वाले परांठे यहाँ बनाए है ना। सुशीला दी दही के साथ खाओ थोड़ा। ठीक है सुशीला दी के मुंह से तो लग रहा है कि मैं फ्लॉप हो गई। सुशीला दीदी शर्मा रही है क्या मुझे? सुशीला दीदी कैसे हैं अब बताओ? ठीक है हाँ नमक मैंने कल पूछा था विवेक से, कहते ठीक है। मिर्ची बिल्कुल नहीं खाते हैं दीदी, मिर्ची खाते थे मैंने दही में काट दी है। दीदी बोले मैं चार चार मिर्ची खा लेती हूँ एक साथ। अगर आपको टीवी नहीं देखना तो आप एक काम करो आप नीचे जाओ। मुझे आपके साथ सफाई करनी है। आपकी तो ऐसे ही सफाई करनी है। मम्मा रूम सेट करके आ रही है, जाओ। अब मेरे पास क्यों बैठे रहते हो सारा दिन? मुझे आधे दिन बिना मन नहीं लगता। मेरे बिना मन नहीं लगता? डैडा ये व्लॉग देख लेंगे तो क्या करेंगे हम? क्या झूठ बोल देंगे? हमने बोला डैडा हम तो आपकी तारीफ कर रहे थे। ठीक है कट मार दूं? कट भी तो डैडा ही मारते हैं। इतना चला के बोल रहा मुझे मम्मा कट मार देना, इसलिए नहीं पता कट भी तो वही मारेंगे। क्या करोगे? एक्सपेरिमेंट कहाँ देखा आपने वो एक्सपेरिमेंट? मुझे मेरे दिमाग में आया कि मैं थोड़ा पानी भूंगा उसके अंदर साबुन डालूंगा
और थोड़ा मिलाऊंगा फिर उसके सिंते में डाल दूंगा। ये कौन सा एक्सपेरिमेंट है? ऐसे ही है मम्मा। अभी गैस में जा रही हूँ जल देने शिवलिंग में, तो ये जो जल है ये बहुत ही दूर से आया है, तो इसलिए मैं इसको थोड़ा सा पानी के अंदर मिला लेती हूँ। अभी ये पूरा ही जल बन गया। तो गाइस मैं नहा के आ गई थी और आज हम मेरे और माँ के तीन प्रोग्राम बने थे। माँ आज कढ़ी चावल बनाने वाली थी बट विवेक ने मना कर दिया क्योंकि माँ खाना खाने नहीं वाली हैं, तो उन्होंने बोला हम लोग खा के आएंगे, विवेक मतलब यू भी और खुशी के लिए हम लोग साउथ इंडियन लेके आएंगे तो मत बनाओ। बट अभी छोटी छोटी भूख लग गई है सो मैंने सोचा मेरा फेवरेट, मुझे दो ही चीज़ें ज़्यादा आती है, पोहा और चीला, तो मैं चीला बनाती हूँ। माँ और मैं बैठ के मस्त चाय पियेंगे, उसके बाद मुझे पूजा करनी है एंड देन मुझे रेडी होकर बहुत सारी वीडियो शूट करनी है। कौन सा शैम्पू खत्म कर दिया और कह रहा मैंने उसको दोबारा भर दिया पानी से, क्या करा आपने? ये दोबारा बना दिया, दिखाओ जरा मम्मा को। हाँ सारा खत्म करके उसमें पानी भर दिया। माँ को बता वो तो आपने सारा अच्छा, पहले आप इसमें से निकाल निकाल के घोल रहे थे, फेंक रहे थे, घोल रहे थे, बाद में जो लास्ट में रहेगा उसमें पानी डाल के इसमें भरने से पूरा होता है क्या? आपको पता आपने नुकसान कर दिया है, पैसे कौन देगा? पैसे? पापा? पापा तो दे रहा तूने। अभी भी झाग निकल रहे हैं तो ठीक है, इसका मतलब वो ठीक है, सलामत है। मैंने ना एक वीडियो में कल देखा कि राजा ना अपनी आईज ऐसे कर रहा, तो मुझे पता चला ये तो मुझे भी आदत थी ऐसे, मैं भी करती हूँ, देखो करियो ऐसे जो आप कल कर रहे थे। आपने बोला था ना स्पाइसी करना, मैंने एक तरफ मिर्ची मिर्ची कर दी पूरी। मैं ना ऊपर चली गई पूजा करने और नीचे ही मुझे देख के रो रहा, क्या हुआ था? हमने बस ऊपर तो आप आ जाते मेरे पीछे पीछे। आप बता दो मोर चिंताएं यार राजा, क्या हो रही है? एक्साइटमेंट हो रही है आपको? चलते हैं बस, मैं बना तो लूं, मुझे भी तो भूख लग रही है यार। ऊपर शूट करने आई थी, एक तो लाइट ने परेशान कर दिया, ऊपर से राजा ने ये मुझे कुछ काम नहीं करने देता। आपका भी यही है, इसके अंदर है इडली जो यूवी और मेरी है जो हम थोड़ी देर में खाएंगे, इसमें बर्गर और फ्रेंच फ्राई, ये इसने एक रेस्टोरेंट बताया था 5 स्टार वहीं से मंगवाया। ये रहा बर्गर और फ्रेंच फ्राइज। ये स्टोरी बन नहीं। आपको खेलना तो आता नहीं, सीख रहे हो क्या? थोड़ी देर पहले यूवी के कह रहा था चलो खेलते हैं, तो यूवी आपने क्या बोला कि आपको खेलना नहीं आता, तो क्या कह रहा था? सीख जाऊंगा। तभी भी मैंने शूट डन किया एंड इतना प्यारा शूट हुआ है, मतलब ये शूट प्यारा नहीं हुआ है, उसके अंदर जो मैंने कपड़े पहने थे वो टॉप मेरे फेवरेट थे। सो मैंने ना कुछ जैसे इंस्टाग्राम पे एड्स आती हैं तो उसमें से हम लोग कुछ भी ऑर्डर कर देते हैं, तो वो लाइक वहाँ से अलग अलग स्टफ मंगवाए थे एंड उसमें से कुछ टॉप, ओ माई गॉड इतने प्यारे निकले, और उसकी पूरी वीडियो आ चुकी है, और वो जो वीडियो है वो मेरी खुशी पंजाबन फेसबुक के ऊपर एंड मेरी खुशी चौधरी स्नैपचैट के ऊपर आ चुकी है, अगर आप लोगों ने नहीं देखी है जाके चेक करो, बड़ा ही प्यारा कलेक्शन है। एंड नीचे कमेंट करना अगर आपको जानना है कौन सा टॉप कौन सी वेबसाइट से है। एंड गाइज जैसे आप लोगों ने बहुत सारे कमेंट करे थे कि मैंने सर्जरी करवाई, तो यस मैंने सर्जरी करवाई, मतलब कुछ भी बोल दो आप लोग, ऐसा कैसे हो सकता है, मेरा वेट डे बाय डे कम हो रहा है क्योंकि मैं कम कर रही हूँ, जब मैं ज्यादा करूंगी ज्यादा होगा। राजा के टाइम मेरा वेट बहुत ज्यादा था और जब मैं 21 ईयर की थी उस टाइम पे फर्स्ट टाइम मैं लाइफ में थोड़ा सा मोटी हुई थी, वो भी मैंने एक मेडिसिन खाई थी, अदरवाइज मैं इतनी पतली थी मैं मोटी हो ही नहीं रही थी, मतलब मैंने इतनी कोशिशें कर ली तो मेरी लाइफ, मतलब मैंने बहुत जगह जगह से दवाई खाई, मेरे घर वाले मुझे क्योंकि मैं बहुत ही पतली थी, तो अब आई थिंक वो दवाई खाए बहुत टाइम हो गया है और राजा बड़ा हो गया है, सो मैं दोबारा बैक टू उसी उसमें जा रही हूँ। आई नो मेरी कमर काफी पतली हो गई। इडली तो खाई नहीं बेटा, फोन करा था आपको आने, हम खा रहे आप अकेले अगर आप नहाते, मेरा नाम बदनाम करके मुझे तो मिस किया तूने इडली मंगाते हुए। इसको कहता चलो मेरे साथ चेस खेल, कहता आपको खेलने नहीं आती, तुझे खेलने नहीं आती, कहता सीख लूंगा ना, हार गई थी मार रहा उसकी, जब ये कह रहा है गलत है, सीधा चलता है उसके सामने प्याज रखा है, उसने सीधा मेरा राजा मार।
भाई आपने बताया सर्जरी के बारे में अपनी कुछ? अगर ये पॉसिबल होता तो हम सबसे पहले पापा की सर्जरी करवाते, पापा का पेट कटवाते। हाँ गाइस, तो मैंने ना कमेंट पढ़े थे, कुछ कमेंट आ रहे थे खुशी के लिए कि इसलिए इनएक्टिव थे, झूठ बोल रहे हैं कि इसने खुशी ने सर्जरी कराई है और सर्जरी कराने की वजह से लोग लाइव नहीं आए। यार यहाँ मेरी वो फोटो लगा दी, 2019 में मैंने बताया कि मैं 21 साल तक पतली थी, मैंने मोटे होने की दवाई खाई, तो मैं पतला क्यों मम्मी, मैं तो पतली पहले से। क्या मेरे बिना बोर हुई? एंजॉय किया दिन को? बहुत बिजी शेड्यूल था, ऐसे मारे होंगे 120 चक्कर में ऊपर नीचे बिना बात के। हेलो राजा, यू मिस मी? कितना मिस किया डैडा को, इतना चौरा। या आईज किसने बनाई आपके चीक्स पे? बिग बॉस की आंख सुला दो भाई को, कितना अच्छा लग रहा था उन्होंने भाई। आए मां, रियो को खाना किस टाइम दिया था? तुम्हारे घर पे दिया था, बल्कि वो इसका फूड ही दिया था ना। हां हां, तो उसे एक स्पून दिया। एक बात तो बताओ डैडा को, जैसे कि आज डैडा घर पे नहीं थे और आपकी छुट्टी थी, आपने क्या क्या किया आज पूरा दिन? हाँ बोर क्या करते हैं वैसे छुट्टी वाले दिन, क्या करना होता है? खेलना होता है और ये नोज में क्या कर रहे हो? मजे करने होते हैं, छोड़ रहे नहीं नोज को। खेलना होता है और मजे करने होते हैं। मिस्टर मिस्त्री आ गया मिस्टर एंड मिस्टर चौधरी। क्या हो रहा था राजा आपको जब आपने व्लॉग देखा? बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट। फाइन डिनर करके आए, कल आएंगे चाचू, लेकिन चाचू एंड फैमिली कुणाल और शिवा भी आ रहे हैं सुबह। हाँ लगी राजा, जब से मैं आया देख के, हाँ ये दोनों तो कोई ज्यादा ही, ये कुछ ज्यादा दोस्त नहीं बन गए मेरे जाने के बाद। रात को हम लोग पहले भिगो के रखते हैं, इसमें की वॉलनट है बहुत सारे, बहुत मतलब खुशी भी होती हूँ। मेहनत रात को भिगोने में मुझे करनी पड़ती, सुबह कुछ या आमंड्स भिगो के रखते हैं, मतलब रखती है कुछ। रुक जाओ, वो तो खो गया बेटा। और कहाँ है दूसरा? मोसिन को, सॉरी यार, दांत यार नहीं, लेकिन आपके टूथपेस्ट में नमक है, तभी तो आपने तोड़ दिया, मैं तो हाथ से भी टूट रहा हूँ। हद है बेटा, करो ऐसे करो और ये पूरा का पूरा बाहर निकल जाए। और फिर ये इसको इजीली, ये मेरा निकाला हुआ है और ये आपका, देखो ये रहा टुकड़ों में, नहीं टुकड़े नहीं, देखो टुकड़ी। मैं इतनी अच्छी वाइफ हूँ कि मैं हमेशा बिना आपके बोले चिया सीड्स, चिया सीड्स भी गो के रखती हूँ और आमंड्स और विवेक को चिया सीड्स कितनी आदत पड़ के बैठे हुए कहते हैं चिया सीड्स ला के मेरे मुंह पे मार, फिर उठूंगा मैं। मतलब इनकी ना इस सुबह में बताती हूँ, रोज रात को फेक प्रॉमिस करते हैं बेटा कल 9 बजे 8 बजे उठ जाएंगे और सुबह पता बहाना ऐसे मारेंगे यार, नहीं नहीं कहते ऐसे यार मेरी आंखें नहीं खुल रही मैं क्या करूँ, फिर थोड़ी देर बाद कहते हैं आज मुझे इतनी हंसी आई मैं सो रही थी, मुझे कहते एक काम कर चिया सीड का गिलास ला के मेरे मुंह पे मार, पीते उड़ जाओ। यार मेरा उठने की हिम्मत नहीं हो पा रही। हाँ कह रहे क्या यार मुझे इतनी नींद में बोल रहे यार मुझे इतनी नींद आ रही मुझे उठा नहीं जा रहा, पापा फोन, कभी पापा का फोन कभी माँ का फोन, मतलब बना एक काम करते हैं पापा से पनीर मंगवाया था मैंने इतना ज्यादा और एक दिन भी नहीं खाया, सुबह चुपचाप पनीर की भुर्जी और परांठे बना के ले गए। बाबा आपकी आई में रेडनेस आ गई, सो रही हूं चलो आई ड्रॉप डालता हूं। काम करेंगे अगर हम एयरबेन भी करें तो हम अपने ओट्स लेके जाएंगे, अपने बादाम लेके जाएंगे, अखरोट लेके जाएंगे। एक जाते जाते एक कहावत बताती हूँ, जब हम कोई कंटेंट बनाते हैं, जब कोई भी टॉपिक हम डालते हैं, क्या हमें यूट्यूब से परमिशन लेनी पड़ती है? नहीं, बस तो इसका मतलब जो कोई कुछ भी डाल सकता है, तो फेक बातों में विश्वास नहीं करना चाहिए, कुछ भी डाल सकता है, सही बात। दिन में ना इतने काम हो जाते हैं, मतलब बहुत सारे काम ऐसे हो जाते हैं हम सोशली नहीं दिखा सकते, उनको भी करना होता है। उसी सिलसिले में आज मैं एक मीटिंग के लिए गया था देहरादून, तो इसलिए मैं वहाँ पर ज़्यादा कुछ शूट, ज़्यादा काम तो मैंने तो शूट नहीं किया बिल्कुल भी, सो इसीलिए बहुत सारी चीजें ऐसी हैं लाइफ में जो चलती रहती है, लेकिन हाँ जितना तक हम सो पाता है हम शूट करते हैं, मतलब हम लोग चाहते हैं आपको एंटरटेन करें, आपको
खुश रखने की कोशिश करे। और अब राजा स्कूल जाने लगा तो बहुत सारी चीजें, और राजा का फर्स्ट डे ऑफ जो स्कूल था उसमें राजा ने बहुत इंजॉय किया, बहुत मस्ती की थी। अगर आप लोग देखना चाहते हो उसका रिएक्शन कैसा था तो वो भी बताना, वो भी व्लॉग में किसी दिन अपलोड कर दूंगा 100%। ये लड़की इतना काम करती है, इतना काम करती है, पता नहीं क्या काम करती है दिन भर, क्या क्या मेरे बिना मन लग जाता है तुम्हारा। और हाँ गाइस, सर्जरी के बारे में आप लोगों को बता दूं, इतने अजीब लोग हैं, मैं क्या बताऊं आप लोगों को। कमेंट कर रहे हैं कि भाई ये लोग, इसी ने सर्जरी कराई खुशी ने। भाई आप लोगों की कमेंट पढ़ रहा था मैं, तब मुझे हंसी आ रही थी, क्या सर्जरी कराते तो बताते भाई इसमें क्या है, मतलब सो रिलैक्स रहो यार, क्या टेंशन वाली बातें करते हो आप लोग। जिम वो करा ली है, सर्जरी करा ली। वॉचिंग दिस व्लॉग, कल हमें ट्रैवल करना है, मुझे पैकिंग करनी है, सो बाय गाइस, मिलते हैं कल, बाय गाइस।